तो आप सभी के लिए एक बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो जाइए तैयार। अगर आप डोंगरी वाले हैं तो मुन्नर फारूकी का स्वागत करने के लिए हो जाइए तैयार। अगर आपने मुन्नर फारूकी को आउट किया तो फिर भी जश्न मनाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बिग बॉस 70 का विनर मुन्नर फारूकी 100% नहीं बल्कि 200% बनने वाले है। इसके कुछ प्रूफ है मेरे पास, कुछ फैक्ट है मेरे पास जो कि मैं आप सभी को बताने वाला, जिससे आप भी एग्री करेंगे। और ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, मुन्नर फारूकी 200% विनर बनने वाले, सलमान खान उनका हाथ उठाने वाले और ये ट्रॉफी डोंगरी जाने वाली। अब कुछ फैक्ट आपसे को फटाफट बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे से आखिरी तक जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की अपडेट लाते रहता हूं। अब तो बिग बॉस भी खत्म होने वाला है, दूसरी अपडेट आप सभी को दे दूंगा, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मैं आप सभी कुछ फैक्ट बता देता हूं कि मुन्नर फारूकी बिग बॉस 70 के विनर बन चुके, अंदर से भी खबर आ चुकी है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आ चुकी है, मुन्नर फारूकी 200% विनर है। लेकिन उसके पीछे के फैक्ट भी जान लीजिए, ऐसा नहीं हवा में या कोई बायनेस करके सारी चीजें, नहीं, आपने देखा होगा मुन्नर फारूकी को बिग बॉस के अंदर किस तरह से तड़पाया गया, किस तरह से रुलाया गया, किस तरह से आफत लाई गई है, और साथ साथ मुन्नर फारूकी ने किस तरह लोगों को अपने मुशायरे से, कॉमेडी से, एंटरटेनमेंट किया, शायरी से। ये तो सिर्फ बिग बॉस के अंदर खेला, लेकिन जिस तरह से बाहर उनकी जनता ने उनको सपोर्ट किया, आप जाके देख लीजिए सोशल मीडिया पर, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, चाहे रफ्तार हो, बादशाह हो, यहाँ तक कि जैकलीन हो, कोई भी हो, क्या बोलेंगे, मिस्टर फैजू हो, अविनीत गोवर हो, इतने सारे लोगों ने स्टोरी लगाई, इतने सारे लोगों ने वोट मांगा मुन्नर फारूकी के लिए, इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया मुन्नर फारूकी के, पहली बार ऐसा समझिए कि वन साइड गेम हो चुका था, मतलब इतना भर भर के सपोर्ट मिला, इतने भर भर के हैशटैग चले ट्विटर पे के बेसाफ। और वोटिंग के मामले तो बहुत ज़्यादा फर्क होगा, मतलब जो भी टॉप टू के आना, बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका हूँ, क्योंकि जिस लेवल को मुन्नर फारूकी को सपोर्ट मिला वो अंगारा वाला सपोर्ट मिला, मतलब एमसी स्टैंड ने भी सपोर्ट किया मुन्नर फारूकी, शायद आपने देखा हो कुछ स्टोरी के जरिए। और इसका सबूत भी मैं आप सभी को छोटा सा दे देता हूँ, आपने देखा हो सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर है या कोई भी हो जो भी पोल कर रहे थे, उसके अंदर मुन्नर फारूकी ज़्यादातर 90% तक के टॉप पर रह रहे थे। और मैंने भी कुछ पोल किया था मेरे यूट्यूब पर, तो आप मेरे भी पोल देख लीजिए, वन साइड गेम हो चुका है पूरा, वन साइड आपको दिख रहा हूँ। 3 दिन पहले पोल किया था, यहाँ पे 58,000 लोगों ने वोट किया था, जहाँ पे 85% मुन्नर फारूकी को वोट किया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे खुद के आंकड़े नहीं है, मैंने खुद नहीं उठ किया बल्कि पब्लिक ने उठ किया, आपको साइड में दिख ही रहूँगा। अब उसके बाद मैंने एक दिन पहले भी किया जो कि आपको वन डे वाला दिख रहा हूँ, जहाँ पे 101 यानी कि 100 के 1,00,000+ लोगों ने मतलब वोट किया था, जहाँ पे 78% लोगों ने मुन्नर फारूकी को वोट किया। और नंबर दो पे 14% अभिषेक कुमार थे, तो ज़रा सोचिए यहाँ भी मुन्नर फारूकी कितने आगे निकल चुके। और उसके बाद मैंने एक और पोल किया था, जहाँ पे बस सिर्फ 2 से 3 घंटे छोड़े थे, जहाँ पर 31,000 लोगों ने वोट किया था, और वहाँ पे देख लीजिए मैंने टॉप 3 के लोगों को रखा था, अंकिता, अभिषेक और मुन्नर फारूकी। और मुन्नर फारूकी की वोटिंग देख लीजिए, आंखें उनके देख लीजिए, 81%, मतलब आप सुधा दू 3% मुन्नर फारूकी जीत रहे। बिग बॉस 70 सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल आप उठा के देख लीजिए, आपको मुन्नर फारूकी को ही वोट लोग करते हुए नजर आएंगे। पोल के अंदर मुन्नर फारूकी टॉप 1 पे चल रहे, लेटेस्ट वोटिंग टेंडर भी मुन्नर फारूकी टॉप 1 पे चल रहे। और ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, आप डोंगरी वाले तो मुन्नर फारूकी के स्वागत के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से आपने लॉकअप की ट्रॉफी के बाद स्वागत किया था, उसी तरह से अभी भी कीजिए, क्योंकि 100 नहीं बल्कि 200% मुन्नर फारूकी विनर बनने वाले। आपके दिल को सुकून रखिए, आपके घर ही ट्रॉफी आने वाली है, आपके महल्ले में ट्रॉफी आने वाली है। डोंगरी वालों जश्न मनाओ, आपकी ट्रॉफी आपको मुबारक, क्योंकि मुन्नर फारूकी ने इसके लिए मेहनत की है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर, इतना फैलाइए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।